होगा के धनरे कलियो के राम हमें लाजे राक्षस कह रहे 20 भुजा 10 शीश थे जीवन भर में एक सीता का हरण किया। और कलयुग में तो कई ऐसे रावण हैं जो दसों सीताओं का हरण करने थे। तो याद रखना प्यारे, अगर रावण और कंस के लिए मारना है तो अपने अंदर के रावण को मारो, अपने अंदर के कंस को मारना चाहिए। अपने चरित्र को इतना अच्छा बनाओ, अगर रावण को मारना है तो रावण कौन है? चरित्र बिगड़ गया है आपका, मतलब रावण आपके अंदर है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब वही चलता फिरता रावण है आजकल, वही तो हो रहा। असली के रावणों को अपन जेलों में पालत और रोटी खिलाते, अजोंदना उन्हें जमानत मिली बाहर निकले फिर कौन सीता को हरण कर दे, अब पुतला बना करके आग लगाते हैं भाई। एक बेर है अगर असली के रावणों को निकाल के दशहरा पे जला दे, दो तीन रावण जला दे, रात के 12 एक एक बजे सीताएं सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन असली के रावणों को अपन खिला रहे हैं, जब जमानत मिला जब भी फिर आकर के वो कृत्य करते। अगर वास्तव में रावण को मारना है अंदर के रावण को मारो, अपना चरित्र इतना अच्छा बनाओ कि अगर रात के 12 बजे भी किसी माता बहन को तुम मिल जाओ तो उसके लिए तुमसे डर नहीं, उसके लिए एक दम आ जाए कि हमारा भाई है, हमारा पिता तुल्य है, हमारे बेटे के जैसा है। चरित्र इतना अच्छा हो कि रात के 12 बजे भी किसी बहन बेटी को मिल जाओ तो तुम्हें देख करके उसके लिए दम आ जाए कि मेरा भाई मिल गया, मेरा बेटा मिल गया। ऐसा ना लगे कि अगर एकांत में दिख जाओ तो उसके लिए अंदर अंदर डर लगने लगे। अपने चरित्र को इतना सुंदर बनाओ, राम जैसे चरित्रवान बनो। और कंस को मारना है तो मालूम हराम की कमाई कंस करते हैं और जगत की भलाई संत करते हैं। बनना है तो संत बनो, कंस मत बनो। किसी को सता करके, दीनहीन को सता कर, भाई को सता कर, परिवार को सता कर, ऐसी संपत्ति किस काम की? इसलिए बनना है तो संत बनो, कंस मत बनो। आज कंस का वध किया, कन्हैया जी गए देवकी वसुदेव जी के लिए छुड़वाया, देव की वस्तु जी के लिए स्वतंत्र किया, मथुरा नरेश के लिए राजगद्दी पर बिठाया। कहने लगे माँ आपको याद नहीं आती क्या? देव की कहती है बेटा याद तो आती थी लेकिन क्या करें, मन तो करता था, मन तो हमारा होता था। एक किसी कवि ने लिखा है कि देव की कहती है कि पंख जो होते मैं उड़ जाती नंदे बाबा के द्वार, ओ उमड़े उमड़े बोरो जिए रो रो बे पहे दूध की धार, लाल मेरो रोबत हुई गो के भूखो सोबत हुई गो, लाल मेरो रोबत हुई गो के भूखो सोबत हुई गो, लाल मेरो रोबत हुई गो के भूखो सोबत हुई गो, लाल मेरो जय हो। ताली बजाते हुए जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, अरे पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख जो होती मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, उमड़े उमड़े मोरो रो रो में बहे दूध की धार, लाल मेरो रोबत हुई गो के भूखो सोबत हुई गो, लाल मेरो रोबत हुई गो के भूखो सोबत हुई गो, लाल मेरो रोबत हुई गो के भूखो सोबत हुई गो, लाल
लाज भी रो के हो गो के हो गो के हो गो लाज भी रो बस हो गो के हो गो बस हो गो लाज भी रो हो गो के हो गो हो गो लाज भी रो बस हो गो के हो गो तो बसे बोलिए बांके बिहारी राज की जय। आज देवकी कहने लगी बेटा हमें बड़ी याद आती थी आपकी, लेकिन क्या करें हाथों में हथकड़ियां पांव में बेड़ियां कारागृह में थे, क्या करें बेटा बड़ी याद आती थी। सुखदेव जी कहते राजन आज मथुरा नरेश के लिए गद्दी पर बिठाया और देवकी वस्तु को कारागृह से स्वतंत्र किया। मैया देवकी जी ने विचार किया कि अगर हमने बच्चे को यहीं रख लिया तो यशोदा जी सोचेंगे देखो अपने लाड़ के चक्कर में बच्चे का जो है भविष्य नहीं देखा। सो